नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। बढ़ती आबादी और सीमित संसाधन किसी भी देश के लिए समस्या हो सकती है। अगर लगातार आबादी बढ़ रही है और देश में जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं या फिर उसी पर ही रुके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो आबादी लगातार बढ़ रही है उस आबादी के लिए उतने ही संसाधन में जीवन यापन कर पाना, रोजगार ढूंढ पाना, अपना जो जीवन है उसे बिता पाना काफ़ी मुश्किल होगा। उस देश की जो सीमित संसाधन है उन संसाधनों के मुकाबले अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो समस्या देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, सभी के लिए हो जाएगी। कुछ ऐसा ही देश में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। इस वक्त हमारा देश जो है वो अगर हम बताएं तो पूरे दुनिया का करीब 2.5% ज़मीन का जो हिस्सा है वो भारत के पास है और इसकी कुल आबादी जो है वो पूरी दुनिया के अनुसार अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में 18% आबादी पूरी दुनिया के मुकाबले है। हमारे पास पानी सिर्फ 4% का है और हमारी जो आबादी है वो 18% की है और इसी वजह से कई सारी जो समस्याएं हैं देश में वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो महंगाई की हो। ये सारी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसका एक प्रमुख कारण ये आबादी भी है। जब ये आबादी लगातार बढ़ रही है तो इस आबादी को रोकने के लिए अब चिंतन मनन भी शुरू हो चुका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ये आने वाले समय के लिए काफी समस्याओं भरा कदम हो सकता है लोगों की तरफ से अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ ये भी जागरूकता फैलाई जाए कि किसी खास वर्ग की तेजी से बढ़ने के कारण कहीं कोई असंतुलन जो स्थिति है वो ना उत्पन्न हो। ये खास वर्ग कौन सा है, इस वर्ग को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि अगर ये खास वर्ग इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था और अराजकता भी बढ़ती जाएगी। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब अहम चीज ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जो देश प्रदेश में राजनीति है वो अब गर्म आ गई है, क्योंकि जहां एक तरफ हम जनसंख्या को रोकने और जनसंख्या कानून को लेकर के बात कर रहे थे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कल हमने मनाया है, हम चीन से कुछ ही कदम पीछे हैं और बताया ये जा रहा है कि 2023 आते आते हम चीन को भी क्रॉस कर देंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जहां एक सेकंड में चीन में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं वहीं भारत में एक सेकंड में करीब 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये अपने में एक बहुत ही भौचक करने वाला जो आंकड़ा है वो है, क्योंकि लगातार हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और 2023 तक ऐसा भी हो सकता है कि हम चीन को क्रॉस कर देंगे। चीन वो देश जो जनसंख्या के मुकाबले में सबसे ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पर कुछ कड़े कानून लागू किए गए उसके बाद कहीं ना कहीं जनसंख्या पर उन्होंने रोक भी लगाई है, काबू भी किया है। क्या उसी तरह के कदम देश में उठाने ज़रूरी हैं और उसके बाद इस तरह के बयान और उन बयानों के बाद पलटवार, राजनीतिक पलटवार, ये कितने सही हैं? जिस विशेष वर्ग की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है उस वर्ग के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये संघी लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ ही फैलाते रहेंगे। देश में रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इन समस्याओं पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इन लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो एक विशेष वर्ग से इस जनसंख्या की समस्या को जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। इसके अलावा शफीकुर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जो विशेष वर्ग को लेकर के या फिर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसको लेकर के जो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, दरअसल बच्चे पैदा होना इसमें किसी भी तरह से इंसान का या मनुष्य का हाथ नहीं है, ये खुदा की देन है, इस तरह का बयान आया है। उसके बाद अगर हम एक आंकड़े पर नजर डालें, क्योंकि एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है और इस आंकड़े पर अगर हम नजर डालते हैं तो 1951 से 1961 के बीच में जो देश की जनसंख्या थी वो करीब 21.6% बढ़ी थी और उस दौरान जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो करीब 20.7% और मुस्लिम पॉपुलेशन 32.7%
मतलब 32.7% बढ़ी थी। इसके अलावा 1961 से 71 के बीच में 24.8% ये जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो बढ़ा था, और उस वक्त हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो करीब 23.7% बढ़ी थी, और 30.9% जो थी वो मुस्लिमों की जनसंख्या थी वो बढ़ी थी। 71 से 81 के बीच में 24.7, हिंदू उस वक्त 24% पर था और मुस्लिम उस वक्त 30.7% पर था। 81 से 91 के बीच में 23.9% ये जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो बढ़ा था, उस दौरान 22.7% हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो बढ़ी थी और 32.9% बढ़ी थी। 91 से 2001 के बीच में 21 से लेकर 21.5% जो थी ये जनसंख्या वृद्धि हुई थी, और उस दौरान 19.9% हिंदुओं का आंकड़ा था और 29.4% मुस्लिमों का आंकड़ा था। और सबसे आखिरी में 2001 से 2011 तक का जो उस वक्त जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो करीब 17.5% थी, उसमें 16.5% हिंदू थे और 24.7% मुस्लिम थे। तो ये एक आंकड़ा है जो लगातार एक विशेष वर्ग को केंद्रित करते हुए बनाया गया है, और उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जिस विशेष वर्ग को लेकर के चर्चा राजनीति शुरू हुई है जनसंख्या को लेकर के, आखिर उसका पॉपुलेशन का ग्राफ क्या है। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें, और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। आदित्यनाथ ने जो कहा है इसे लोगों को समझने की जरूरत है देश हित के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे देश के चश्मे से देखना चाहिए, विकास के चश्मे से देखना चाहिए, सामाजिक समरसता के चश्मे से देखना चाहिए। आज पूरे दुनिया में भारत और चाइना की आबादी आधी आबादी हो जाती है। चाइना अपनी आबादी को 1979 में एक कड़ा कानून ला करके अगर नहीं रोका होता तो आज 60 करोड़ आबादी बढ़ गया होता, तो फिर उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता। आज भारत के अंदर में और चाइना में कंपेयर करेंगे, दुनिया से कंपेयर करेंगे तो पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है। जमीन कम है, पानी कम है, और एक मिनट में चाइना लगभग 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में, और आज की तारीख में भारत में एक मिनट में 30 बच्चे से अधिक पैदा हो रहे हैं, यानी 2 करोड़ से अधिक बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। 2-2 इजराइल एक एक साल पैदा कर रहे हैं। वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है, वो गिरा नहीं गिरा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है, वो नहीं बताते। और सिर्फ डराने का काम, भाई भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसको बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है, और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाति तौर पर नहीं है,
इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय अगर गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतजाम करे, तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। सभी जुड़ गए उनसे आपसे थोड़ी देर में। हाँ, मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितिन सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हैं, स्वर्ण महासंघ से हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, और नागरिक एकता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मानों का आज की इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साबरी साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। एक बड़ा बयान, उस बयान को लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ये सबकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। एक विशेष वर्ग की बात कही गई है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और लगातार अब इस पर राजनीति हो रही है। ये कौन सा विशेष वर्ग है, क्या आपको कुछ समझ आया, क्यों इस वर्ग को लेकर के इस बात को कहा गया? बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने मुझे इस बहस में शामिल किया। देखिए, विशेष वर्ग का जहाँ तक मामला है नितिन जी, तो मुख्यमंत्री ने कोई अल्पसंख्यक या मुस्लिम या जैन बौद्धिस्ट या सिख ईसाई का किसी का नाम नहीं लिया। विशेष वर्ग का मतलब वो अपने समुदाय को भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि जनसंख्या जो है नियंत्रण एक कानून आना चाहिए, और ये कानून मेरे ख्याल से बहुत पहले संजय गांधी सबसे पहले बुरा तो असदुद्दीन ओवैसी को लगा, सुन लीजिए पूरी बात, देखिए वही बात है कि बुरा और अच्छा किसी को भी लग सकता है, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारे हिंदू समाज के लोगों को बुरी लग जाती है मुसलमानों की, बहुत से लोगों को हिंदू नेताओं की मुस्लिम समाज को, लेकिन राजनीति देखिए जहां पर धर्म को राजनीतिक कण कर दिया जाएगा तो वहां पर एक दूसरे को फिर शंकाओं की निगाह आशंका की निगाह से देखा ही जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। और चिंता की बात यह नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, चिंता की बात देखिए अब आप जब आंकड़ों की बात करेंगे, देखिए 16 अक्टूबर 2021 देश का बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने पूरे आंकड़े दिए हैं। 4.7% मुस्लिमों की संख्या घटी है, और पिछले 10 साल से अभी तक कोई जन मर्दम शुमारी नहीं हुई है। तो अब बड़ा सवाल यह होता है कि योगी जी के 5 साल के पीरियड में जनसंख्या अत्यंतरित हो गई है, बड़ा सवाल यह है। तो अब सवाल जब इस बात का पैदा होता है कि जब 4.7 और यही नहीं कि मुसलमानों घटी है, 3.1% हिंदुओं की भी जनसंख्या घटी है। आप टोटल उठा के देख लें, जब जब से देश आजाद हुआ है 47 जब तक 20% जनसंख्या घटी है। अब कहां से बढ़ गई है, कैसे बढ़ रही है, या योगी जी के 5 साल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है? हालांकि मैं गलत बात कह गया कि मुसलमानों का नाम उन्हें नहीं लिया है। तो हम खामखा में एक विशेष समुदाय से जोड़ दें या मुसलमानों तो किस वर्ग के लिए कहिए, ये तो बता दीजिए भाई, किस हम कैसे बता सकते हैं, ये योगी जी बताएंगे। ये सवाल तो योगी जी से करने का है कि उन्होंने किस वर्ग के लिए कही है। हो सकता है उन्होंने अपने समुदाय के लिए चिंता व्यक्त की हो, किस समस्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों मुसलमानों की। तो अगर देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की फिर रिपोर्ट को कह रहा हूं कि 4.7% जनसंख्या मुसलमानों की घटी है 2001 से 2011 तक, और 11 से 22 तक अब तक कोई इसकी मर्दमशुमारी हुई नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि बढ़ी है? और जहां सवाल योगी का रहा, तो हो सकता है उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कोई ऐसी मर्दमशुमारी खुफिया तौर से या खुफिया एजेंसियों से करा ली हो कि जिससे उनको ये लगा हो कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है या हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ गई है। क्योंकि हम खाली मुसलमानों का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि योगी जी ने किसी विशेष वर्ग का नाम नहीं लिया है। विशेष वर्ग का तो विशेष वर्ग में बहुत सारे वर्ग नितिन जी आ सकते हैं, हिंदू समाज भी आ सकता है, जैन समाज भी आ सकता है। आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा? मैं क्यों कह दूं क्लियर भाई? हाँ। जब योगी जी ने ही नाम नहीं लिया है तो मैं कैसे अपने मान न मान, मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती नालक कर दो, मैं अपने गले में डालूं? मिश्रा जी से पूछ लेता हूं, वो हंस रहे हैं आपकी इस बात पे। राजीव मिश्रा जी, ये साबरी साहब कह रहे हैं इनको क्लियर ही नहीं हो पाया वो कौन सा वर्ग है, आप ही कुछ क्लियर कर दीजिए। और ये कह रहे हैं लगातार हमारी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। मस्जिद के चश्मे से नहीं देखना चाहिए जी। इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और निश्चित आना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से नियंत्रण है आपने देखा होगा, 2011 के देश में एक अरब 30 करोड़ का देश था, एक अरब 21 करोड़ का देश था। आज क्या है, आज बढ़ती है, आज 2000
22 में है, एक तरफ 38 करोड़ का देश हो गया, अब तो 41 हो गया, संख्या बढ़, हाँ 41 आप मानो, लेकिन अभी तक जो आंकड़े मेरे पास है वो एक अरब 38 करोड़ का है। लेकिन मैं एक पूछ रहा हूँ, मेरे मित्र बता रहे जनसंख्या अगर नियंत्रण रोकेगी तो सबकी पढ़ाई अच्छी होगी, नौकरी अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर ये कोई अच्छी बात है ना, अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है तो कुछ सोच के कहा है ना, अगर हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो हमें स्वास्थ्य में भी अच्छी सुविधा मिलेगी, हमें रोजगार अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, हमको शिक्षा में भी अच्छी, पढ़ाई में भी हमारा जो व्यक्ति है वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से आप जनसंख्या का नियंत्रण निश्चित होना चाहिए। और ये चीज योगी जी ने इसलिए नहीं कहा, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को चिंता का विषय है ये जी। नहीं, ये आमिर साबरी कह रहे हैं, एक जो विशेष वर्ग को लेकर के बात हुई थी, साबरी साहब कह रहे हैं कि हो सकता है शायद वो हिंदू वर्ग के लिए भी बोल रहे हो या जैन धर्म के लिए भी बोल रहे हो, ये कुछ क्लियर नहीं, अभी भी इनका कुछ जो माइंड है वो क्लियर नहीं हो। भाई आप जब चश्मे के धर्म के चश्मे से देखेंगे तो आपको मुसलमान ही दिखेंगे, बड़ा सवाल तो यही है। आप हमसे कह रहे थे धर्म के चश्मे से देखना चाहिए, आप दिल में रख के आज देखिए। अरे महाराज, आपने ये भी कहा था कि धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और आप स्वयं धर्म के चश्मे देख रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा देखिए नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, ये चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। नितिन सिंह यादव हमारे साथ हैं। नितिन भाई, मुझे भी ये कुछ समझ नहीं आया, जैसे शाबरी साहब कह रहे थे कि वर्ग कौन सा है, उस वर्ग के बारे में कुछ नहीं पता है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया या जनसंख्या पे किसी तरह से ब्रेक लगाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उनमें लगातार जो कमी है वो देखने को मिल रही है। हमारे पास जितनी जमीन नहीं है उससे ज्यादा हमारी जनसंख्या हो गई है, पानी नहीं है हमारे पास, रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या, कई सारी समस्याएं हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला या जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीति हो रही है, सही है? बिल्कुल, देखिए नितिन जी, जी कल का कार्यक्रम जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम था और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर भाषण था, और कोई भी मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से देश की चिंता और प्रदेश की चिंता होती है जी, और होनी भी चाहिए। और आज तो ये अभी कोई नई बात नहीं है, हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखने को आया करता था, तो बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है इस तरीके से, और हम लोग उस पर बाकायदा लिखते थे कि देश की बढ़ती जनसंख्या देश के लिए अभिशाप साबित हो सकती है और उसके लिए देश के संसाधन सीमित होंगे तो ये समस्याएं आएंगी, वो पूरा ऐसे हुआ करता था। और ये कल का बयान, अभी जैसे कि अभी हमारे साथी आमिर भाई कह रहे थे या मिश्रा जी कह रहे थे, देखिए बिल्कुल हमें लगता है मिश्रा जी ने अभी भी जो बाइक आपने चलाई होगी जी की उसको भी ठीक से नहीं सुना है, वरना ये जो वर्ग की बात कही है, एक तो पहली चीज उन्होंने विशेष शब्द नहीं लगाया है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे विशेष शब्द आता है तो पूरे पूरे समाज की निगाहें तुरंत हमारे इस्लामिक की तरफ बढ़ जाती है कि भैया मुसलमानों की बात हो रही है योगी जी। और दूसरी, उन्होंने क्लियर भी किया है कि किसके लिए कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, मैं बिल्कुल उनकी बात को अच्छा सुना दे रहा हूँ कि ध्यान में रखने वाली बात है कि संतुलन पैदा ना होने पाए, ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो, और जो मूल निवासी है, बात उन्होंने साफ साफ मूल निवासी की कह दी। अब आप आजकल मूल निवासी का चलन देख रहे हैं कि प्रदेश में मूल निवासी किसको कहा जा रहा है, दो सभ्यताओं पर बराबर चर्चा होती है, एक आर्यन वर्ग समाज की और एक दूसरी मूल निवासियों की, तो मूल निवासी तो दलित पिछड़ों की बात बार बार कही जाती है, एक तो उन्होंने उसको इंडिकेट करते हुए कहा है। अब अभी साबिर भाई की बात भी क्लियर हो गई, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो इस बात को कह रहे हैं ना कि वो कैसे बता सकते हैं कि मुस्लिम मूल निवासी नहीं है। अवस्थित ओवैसी का भारत का संविधान है, किस देश के शंकराचार्य क्या है, उनकी बात को हम मान ले, उनका जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वही राजनीति अवस्थित ओवैसी भी करते हैं। एक ये दोनों एक थारे सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, तो दूसरी तरफ ओवैसी का बयान लिया जाएगा। नितिन जी, गजेंद्र जी पूछ रहे हैं, हमारे साथ बैठे आ रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ, गजेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या मुस्लिम देश का निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है मुस्लिम देश का निवासी? अरे भाई, निवासी और मूल निवासी दो नहीं, मूल निवासी पूछ रहे हैं। हाँ, मूल निवासी क्यों नहीं है, लेकिन जो बात, तो फिर वहाँ क्लासिफिकेशन क्यों होगा, फिर तो सबकी बात हो गई ना, फिर मुसलमानों
की बात बार बार क्यों की जा रही है। ये बात जब आ गई कि मूल निवासी की बात कही जा रही है तो मूल निवासी को फिर अलग से क्यों जोड़ा जा रहा है मूल निवासी। अब अगर और अगर इस पर गरियन जी की बात पर हम आ जाएं तो जब ये बात आती है हिंदू तो इस देश का मुसलमान भी हिंदू है अगर हिंदू की परिभाषा पे जाएंगे, क्योंकि हिंदू शब्द की जहां से उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति के संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे कि कब पारसी आए और इस देश में जो सिंधु घाटी सभ्यता के देश नाम से इस देश को सिंधु उसका अपभ्रंश हिंदू हुआ, तो जो भी भूभाग में रहता था वो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो वो सब हिंदू है। फिर तो अगर उस संदर्भ में जाएंगे तो वो हिंदू है, लेकिन जिस संदर्भ में योगी जी कह रहे हैं उसको समझना चाहिए। उसकी अगली लाइन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीएम ने आगे कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसंख्या असंतुलित चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोक्रेटी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, एक समय के बाद वहां अर्थव्यवस्था और अराजकता जन्म लेती है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा आदि से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम चलाने के साथ जुड़ने की जरूरत है। ये आपने मिश्रा जी का काम काफी आसान कर दिया, लेकिन मिश्रा जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक। मिश्रा जी मैं तो करने के लिए बैठे ही हूँ, मैं बांटने के लिए तोड़ने के लिए बैठे ही नहीं हूँ, मैं तो जोड़ने के लिए। क्या कह रहे थे मिश्रा जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे मित्र कह रहे थे, मेरे मित्र अभी बता रहे थे, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ मित्र से, क्या वो नारा होना चाहिए हम दो हमारे दो, यही नारा चलेगा और यही नारा सख्त होगा ना? योगी जी से सख्त भी होना भी पड़ेगा और निश्चित इसमें अगर ये होगा तो बिल्कुल सख्त से उत्तर प्रदेश योगी जी कहते हो करके दिखाते हैं। 2017 में हमारा 22 करोड़ का देश था उत्तर प्रदेश, आज 26 करोड़ का देश हो गया 2022 में। अगर सही कह रहे हैं, अगर नियंत्रण हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छा होना चाहिए, ये तो देश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए खुशहाली की बात है। योगी जी ने एक कदम उठाया और कदम उठाना भी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है ठीक है। और मैं तो इतना भी सख्त कदम कहता हूँ कि अगर ये कुछ नारा सही चले तो उसमें दो को लाभ मिला, अगर तीन हो तो उनको लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ स्वर्ण महासंघ से हैं। तारिक भाई इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। हाँ गजेंद्र जी, आप एक बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कल जो दिया गया था उस पर लगातार राजनीति शुरू हो चुकी है, आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं और ये कितना जरूरी कदम है जिसको उठाना बहुत जरूरी है जनसंख्या को नियंत्रण रखने के लिए? देखिए राजनीतिक बयान से दूर हम लोग हटे, बात यह करते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन जैसा आपने अभी दिया डाटा, हम पूरे विश्व के भाग है उस भूभाग का केवल 2.5 है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी रहती है 18% लगभग। आज हम 140 करोड़ हो चुके हैं और ये मीटर देखिए पल पल और ये पल, मीटर पल लगातार चल रहा है। केवल वह लोग जो योगी जी ने कहा, कुछ लोग भयभीत हुए हैं कि कहीं नसबंदी का कार्यकाल तो नहीं आएगा, जबरन लेकर के पकड़ा तो नहीं जाएगा। कुछ लोग सशंकित हैं और सशंकित रहना भी चाहिए क्योंकि इस देश में ऐसा हो चुका है। कानून की जहां तक बात है, कानून निश्चित तौर से इस देश में बनना चाहिए, दो बच्चों का कानून अति आवश्यक है, लेकिन अगर आप केवल उनके ऊपर छोड़ देंगे, अभी जैसे आ रहा था बयान कि पहले उनको शिक्षित करना चाहिए, 100 साल शिक्षित कर दो और 200 करोड़ हो जाएंगे हम लोग, 200-250 करोड़ हो जाएंगे, उसके बाद से शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित करने से पहले कानून बनाया जाए और कानून सख्त कानून हो कि जिनके पास दो बच्चों से ज्यादा हो उनको कोई भी सरकारी सुविधा ना मिले, पहली चीज। उनको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी चुनाव लड़ने का कोई हक ना हो। सख्त से सख्त कानून होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र अब यहां पर कराह रहा है। हम लोग 2 लाख घर एक साल में सरकार द्वारा जैसे ही निर्मित होता है दूसरा साल आता है 2 लाख लोग लाइन में फिर से खड़े हो जाते हैं। तो जो ये खड़े होने का प्रचलन है इसमें गैप जब तक नहीं मिलेगा आप अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते। जैसे धन हमारे पास में सृजित होता है उससे ज्यादा धन खर्च करने के लिए एक विंडो खुल जाता है। तो
ये लगातार होता रहेगा और हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती रहेगी। हम बार बार बात करते हैं चीन की, चीन से हमारा कहीं पे तुलना नहीं, इसलिए कि हमसे तीन गुना बड़ा है। तो अगर उस हिसाब से अगर आप उसको देखते हैं तो वो हमारे 1/3 ही पॉपुलेशन पे है, इसलिए चाइना हमारे लिए उदाहरण नहीं हो सकता। उसके बावजूद वहां पे कई सारे कड़े कानून भी हैं। और कड़े कानून तो वहां ही हैं। दूसरे क्या है, उन्होंने एक कार्यकाल में एक ही बच्चे का उन्होंने रखा, एक ही बच्चा रहेगा। हमारे यहां भी 1975 में नसबंदी का कानून आया, इमरजेंसी लगी, लोग वहां पे पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी हो गई जिनका एक भी बच्चा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना यह है कि क्या कहीं उसी कालखंड में आप तो नहीं हम लोग को ले जाएंगे। सशंकित यहां लोग वो हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कानून हो कि उनको उठाओ ले आओ नसबंदी कर दो। ठीक ठीक है सर, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये है कि हम लोग को यहाँ पर सोचना है। दूसरी बात जो हमने कहा, देखिए यहाँ पर योगी जी ने जो बात कहा, उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं की, इससे हम सभी लोग सहमत हैं। और हम लोग सभी लोग सहमत हैं कि आज राष्ट्र की जरूरत है कि हमको जितना जल्दी हो एक बेहतर कानून मिले जिससे ये जनसंख्या विस्फोट रुके। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। नागरिक एकता पार्टी से हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हैं। ताहिर भाई, क्या आप इन सबकी बात से सहमत हैं या आपका कुछ और मत है इस पूरे बयान को लेकर के, या इस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको लेकर के? जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश के अंदर एक व्यापक विषय तो है ही है जी, और ये चिंता का विषय भी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय और जो कानून बनना चाहिए वो गरीबी पर बनना चाहिए, रोजगार देने के नाम पर गारंटी होनी चाहिए, रोजगार गारंटी पर एक कानून बनना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, शिक्षा पर और रोजगार पर अगर कोई गरीबी पर कोई कानून बन जाएगा तो ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून अपने आप से प्रभावी हो जाएगा। लोग शिक्षित होंगे, रोजगार होगा जब उनके पास, तो ये जो ये अभी बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है कि वर्ग विशेष, तो ये इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोग हैं, इनको पता नहीं राजनीति करने पर सिर्फ मुसलमान ही दिखता है, नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयारी नहीं है, आमिर साबरी भी इस बात को नहीं मान रहे। ना 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 ना, वो नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन बहुसंख्यकों को मुसलमानों के नाम से डराते हैं, इसी पर राजनीति। एक वर्ग कहा है, वर्ग एक कहा उन्होंने, वर्ग में वो मुसलमान ले रहे हैं। हाँ तो फिर जरूरी है मुसलमानों को, जरूरी है मुसलमानों को कहा है, नाम नहीं लेकर के उन्होंने नाम ले लिया है, समझ लीजिए। क्योंकि माने मान लेंगे, जबरदस्ती आप वोट लेंगे, कॉमन सेंस है, जबरदस्ती वोट है। अरे त्रिपाठी जी, पहले बात को समझिए, और ना ही कोई पकड़ पकड़ कर नसबंदी करा पाएगा और ना ही कोई भयभीत है, हुआ नहीं है देश के अंदर मुसलमान, हुआ नहीं है। क्या ऐसा नसबंदी नहीं हुआ त्रिपाठी जी, वो खत्म, तो काम खत्म भी तो हो गया, वो कानून वापस लिया गया, कानून वापस भी लिया गया। अरे कानून वापस तो, हमारे कानून तो वापस वापस जो है त्रिपाठी जी, पूरी बात होने दीजिए, इसी साल लिया गया कानून वापस। आपकी पूरी बात सुनी गई, पहले बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए। देखिए होता क्या है कि आज गरीबी पर कानून नहीं है, रोजगार पर कानून नहीं बनाएंगे, शिक्षा पर गारंटी का कानून बनाइए, आप दीजिए 70% शिक्षा, दीजिए 70% आदमी को रोजगार, दीजिए आप जो गरीबी जो है 70% लोगों को रोजगार देंगे, गरीबी हटा देंगे, इस पर जब आप कानून बना लेंगे तो आपको मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि इस देश के अंदर अपने आप से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि अगर इस पर नियंत्रण रखा जाए तो शायद ये सारी जो जिन समस्याओं के बारे में आप बता रहे हैं उन समस्याओं को पाने में आसान रास्ता हो जाएगा, थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन जो है इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान दे करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके बहुसंख्यकों को सिर्फ ये बताना चाहती है कि देखिए मैं अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों को मैं डरा करके रख रहा हूँ, ये उनके लिए कानून आ रहा है। और इस देश में रोजगार की बात ना हो, यहाँ पर शिक्षा की बात ना हो, स्वास्थ्य की बात ना हो, इस वजह से ये चीजें पैदा की जा रही है। ठीक है, मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? देखिए इन्होंने मेरे मित्र बोल रहे थे, अगर तिलक तिल जिस तरह से कानून की बात ये कर रहे हैं, कानून तिलक तलाक कौन लाया, मोदी जी लाए कि नहीं लाए, और वो कानून अमेंड हुआ कि नहीं हुआ, आज सब लोग खुशहाली, आज महिलाओं से पूछिए ना, तीन तलाक का क्यों बार बार नाम लेके शर्मिंदा करते हैं मोदी जी को,
तीन तलाक का कोई मामला ही नहीं था, तलाक से कोई मतलब नहीं है, वो तलाक की बात कर रहे हैं जो तलाक करता नहीं जानते। अरे वो कानून के बारे में बता रहे भाई, कोई ये कानून पहले तो मुसलमानों में मौजूद है, आप इतना क्यों फर्क रहते हैं कानून आएगा। अरे भाई अगर जनसंख्या कानून मिलता कानून आएगा तो अच्छी बात है ना, मुसलमानों में ये तो जबरिया कर रहे हैं, तो क्या मामला है, सख्त होना पड़ेगा। और निश्चित अगर ये चीज है, जबरदस्ती पीना तो कमाई भाई, अपनी जाना है विकास के क्षेत्र में ले जाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले जाना है, तो ये जरूर कानून लाना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए तो अच्छी लगेगी, इसे कानून लागू होना चाहिए, तो आप दे नहीं सकते रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। अरे रोजगार की गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं आप, गरीबों को आप तलाक की बात करेंगे जो मुस्लिम मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, आप उसी को चाहते हैं आगे बहुत संख्यकों में बेवकूफ बना सके, हिंदू मुस्लिम कर सके, यही आपका एजेंडा है, यही एजेंडा है आपका हिंदू मुस्लिम करने का। अरे आप बात करिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, 8 साल में आपने कितना रोजगार दिया, योगी जी ने 5 साल में कितना रोजगार दिया, ये बताइए। गंगा बहाने का काम किया मोदी जी ने, क्या काम नहीं किया, रिजर्वेशन की कितनी बात कर रहे हैं, किया पहली बार हुआ, अच्छा ये बताइए मुसलमानों का दर्शन कब दे रहे हैं, काम किया जी मुसलमानों का दर्शन कब दे रहे हैं, तलाक हो गई, एक चुमरिया पहला के तलाक हो गई, रिजर्वेशन की बात करिए ना, अरे मिश्रा जी रिजर्वेशन की बात करिए, तलाक हो गई, जिस तरह से रोजगार दे रहे हैं, जिस तरह से गरीबों को सिलेंडर दे रहे हैं, कोई आता है आपके पास, उनको मकान दे रहे हैं, पर आके बात करिए ना, घर आकर में बात करिए, जमीन से दे रहे हैं, कहाँ दिया है, 8 साल में क्या दिया जरा बता दो दीजिए, सिवाय हिंदू मुस्लिम के। मैं आंकड़ों से ही बोल सकता हूँ, 12 करोड़ को किसान सम्मान निधि दी है, आरक्षण में क्या बात कर रहे हैं, आरक्षण में बात करिए, आरक्षण दिया, अरे आरक्षण तो आप समाप्त करने जा रहे हैं, आप लोग स्मृति लागू करने जा रहे हैं, सारे देश के मूलवासी जान रहे हैं इस बात के लिए। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर काम न किया तो दोबारा से उठाएंगे, अगर मोदी जी ने काम न किया तो दोबारा से बात नहीं बता पाएंगे, ठीक हाँ, क्या गरीबी पे गारंटी पे बात नहीं कर पाएंगे। ताहिर भाई क्या कह रहे हैं, देखिए मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं ये कभी गरीबी पे बात नहीं कर पाएंगे, शिक्षा की गारंटी, उन्होंने बताया तो कि हमारी तरफ से कई सारी योजनाएं चल रही हैं, ये टेंडर दिया जा रहा है, आवाज दिया जा रहा है, मिश्रा जी की बात का जवाब दे रहे, इन्होंने कहा आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा ये रहा है कि हर चीज को इन्होंने बेच दिया है और प्राइवेटीकरण कर दिया है। दूसरी चीज ये जो आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी तो खुद ही 7 भाई बहन है, केशव प्रसाद मौर्य शायद उनके भी 7-8 भाई बहन है, अब आप देखिए लालू प्रसाद यादव कितनी बड़ी फैमिली है, आया था 75 में, आप कहां बात कर रहे हैं भाई, खत्म हो गया ये, खत्म नहीं हो गया, पहले से बना हुआ है रेडी मिश्रा जी, आप कहां हैं, ये सब ऐसी बात कर रहे हैं इनका कोई मतलब ही नहीं, इसको लागू करें तो अच्छी बात है, हमने पहले इसको खारिज कर दिया है कि जब उन्होंने नाम लिया तो हम क्यों जबरिया होना चाहते हैं, मोदी सब है, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हमने कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे, ये मिली आपको कहाँ मिली, मोदी जी ने कहाँ मिली, कहाँ मिली, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लोगों को गुमराह मत, ठीक है प्लीज, ठीक है हाँ गजेंद्र जी क्या कह रहे हैं, मेरे मित्र को पूरा आंकड़े सही ढंग में बताया, जी आंकड़े नोट कर ले, ठीक है विषय, ठीक है ठीक है हाँ त्रिपाठी, देखिए अभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आए कि हम लोग एक विषय बिंदु पर को कैसे एक बृहद रूप में देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा की कोई गारंटी है 100% सबकी, सरकार के पास सभी को 100% शिक्षा देने की कोई भी गारंटी है तो नहीं है, सीधे बोलो ना नहीं है, 100% रोजगार की गारंटी है नहीं है, 100% क्या स्वास्थ्य की गारंटी है नहीं है, अभी सावरी भाई ने कहा कि हमको रिजर्वेशन में बात करो, आप रिजर्वेशन पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करेगी, चुप हो जाएगी, जबकि इस देश में अगर सबसे बुरी कंडीशन में जो जीने वाले वर्ग है, जिसके ऊपर कई रिपोर्टें आ चुकी हैं कि उनकी हालात, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं,
कि उनके हालात दलितों से बदतर इस देश में हो चुका है। पॉपुलेशन पे बात तो हो रही है, अब जब उनके हालात ही ऐसे हो जाएंगे, वो पूरा अशिक्षित ही रहेंगे, तो जो अशिक्षित रहता है उसको समग्र विश्व नहीं दिखता है, पूरा भारत भी नहीं उसको दिखता है, उसका अपना घर ही तक रहता है, वो गांव भी नहीं दिखता उसको। उसको लगता है कि 5 बेटे रहेंगे 6 बेटे रहेंगे, जाएंगे काम करेंगे, ढेर सारे वहां से रुपये पैसे लेके आएंगे, हम जिएंगे। संपन्न व्यक्ति देखता है कि हमारे 1 से 2 बच्चे हों, हमारे पास जो है वो भी रहे और हम बाहर से कमा के और भी लाएं। तो सरकार कह दे कि हम शिक्षा पे गारंटी दे रहे हैं, रोजगार पे गारंटी दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे गारंटी दे रहे हैं, नहीं देंगे। रिजर्वेशन जैसी आफत एक आपदा है राष्ट्र पर, ही वैसे ही जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए 2 पंचर 2 पे गाड़ी चल रही है, कितने दिन तक चलाओगे ये गाड़ी? ये गाड़ी बहुत दिन नहीं चलने वाली है, बहुत तेज नहीं चलने वाली है, ठीक है। तो समस्या का समाधान शिक्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माननीय योगी जी ने यह बात कहा है, किसी धर्म के का नाम उन्होंने नहीं लिया, तो कृपया आप लोग इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। नहीं तो ताहिर भाई तो धर्म के मुद्दे से ताहिर भाई राजनीतिक व्यक्ति है ना, उनको ये चीजें सूट करती है। ओबीसी को क्या मतलब है? उसको यह शब्दावली उनके मुंह में डाली जाती है कि ये बोलो, तो यहाँ राजनीतिक लोगों को ये चीजें सूट कर रही है, वो बोल रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक नहीं है वह जान रहा है कि जनसंख्या इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ताहिर भाई, ठीक ताहिर भाई क्या कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। मैं ये कह रहा था पाटिल जी ने कहा कि योगी जी ने किसी का नाम नहीं लिया और हम राजनीतिक दल है, हमें सूट करता है, ऐसा नहीं है। देश का ये ज्वलंत मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन ये आखिर क्यों है इस पर सवाल। देखिए, आपको रोजगार जब आपके पास नहीं होगा, आपके पास शिक्षा नहीं होगी, आप गरीबी से इतना ज्यादा परेशान होंगे कि रात दिन घर में पड़े रहेंगे, तो आप जनसंख्या पर कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। देश के अंदर रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य की गारंटी जरूरी है। और रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि योगी जी ने किसी का धर्म का नाम नहीं लिया, सूट करता है, तो मैं आपको बता दूं, वर्ग विशेष का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने किसी धर्म का नाम ना लेकर के बहुसंख्यकों को एक जो है संदेश दे दिया। ये वर्ग विशेष तो योगी ने कहा था, तो 80% तो वही है, 20% तो हमें देखिए ना ना, ये इस वजह से करते हैं क्योंकि ये योगी जी को सूट करता है। शिक्षा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो क्या आप लगातार अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे? ये कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं आप त्रिपाठी जी, मैं आपको बहुत एक कॉमन सी बात बताना चाहता हूँ। बताए, घर के अंदर जब कोई व्यक्ति फ्री होता है, अच्छा अच्छा, तो फ्री टाइम पर ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोरोना कहां से आते हैं आप लोग, कौन से दुनिया से आते हैं? गजब राजनीतिक दल है मेरे देश में, करोड़ों दर्शक सुन रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि कैसे लोग बैठे हैं और क्या तर्क है। धन्य है, धन्य है आप, बिल्कुल। हमारे गजेंद्र जी ने जो बात कही, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, मैं उसकी बात को यहाँ तक सहमत था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही। देखिए, कोई बात अच्छी कहे तो उसकी बात की तारीफ भी होनी चाहिए, खराब बात की निंदा होनी चाहिए। हम इस विचारधारा से होते हैं, एकदम किसी एक चश्मे से नहीं। और ताहिर भाई की किसी बात का कोई जवाब देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब वो खाली सब होगा तो फिर वो ताहिर भाई के तर्क पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि तब तक तो कोरोना में तो हो सकता है कि कुछ नई तैयारी हो गई होगी, तो मिठाई विठाई खाने हम लोग चले गए, हो सकता है आ भी गया, और हमें पता नहीं व्यक्तिगत जीवन कारण नहीं आया होगा, तो चलेंगे मिठाई विठाई खाने के लिए, बुलाइएगा।
लेकिन ये गंभीर विषय है, इस पर चलिए रहा चलो एक सिनेमा माहौल पे बात हो जाए, लेकिन ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है इसलिए। और ये सच है कि इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी आई, अभी मैं इससे पहले भी एक चैनल से डिबेट को था, मैंने वहां भी बात की थी और यहाँ बनाना था, लेकिन ये कानून नहीं है, ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम और कानून में एक फर्क होता है। कार्यक्रम जो चलाया जाता है वो एक मोटिवेशनल होता है, जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, जो समझदार लोग होंगे वो उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं कमजोर हैं, अशिक्षित हैं, तो वो उसको उसी तरह से ले लेते हैं कि भगवान की देन है, कोई कह देगा अल्लाह की देन है, और भैया चलने दो गाड़ी और बढ़ने दो प्रोडक्शन, हो तो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन ये सच बात है कि ये एक जागरूकता का, जैसे सही है कि आदिकाल में हमारे पिताजी की बात की जाए तो मेरे पिताजी 6 भाई थे, लेकिन हम लोग समझते हैं तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बेटी है, ठीक है, सफिशियंट है। तो ये एक हो गई जागरूकता। लेकिन आए कानून भी जरूरत, इसलिए कि कानून अगर होगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मजबूती होगा। जैसे अभी मैं तो कहूंगा अपने मिश्रा जी से कि जैसे अभी आप लाए थे राशन कार्ड की पात्रता, ये जिसके घर में मोटरसाइकिल होगी, टीवी होगी, पक्का मकान होगा और ये सब चीजें होगी, वो पात्रता से नहीं आएगा, उसको राशन नहीं मिलेगा। अगर कानून बना करके सचमुच आप ले आते इसको और कह देते कि जो इस श्रेणी में आएगा और देश की आबादी को नियंत्रित करने में सहयोग करेगा, 2 बच्चे होंगे, उसको ये सुविधाएं अलग से मिलेंगी, अन्यथा ये सुविधाओं से वो वंचित रहेगा, तो हो सकता कि ये ज्यादा प्रभावी हो जाता। तो कानून की तो जरूरत है। अब ऐसा भी ना ले आइए जैसा कि पूर्व में आया था कि कहीं भी कोई अविवाहित भी है तो उसको पकड़ के सड़क में नसबंदी कर दी जाए, ठीक है, तो उसको काला कानून कहेंगे। कानून कानून के तरीके से आइए, उस पर बाकायदा एक समय सीमाएं होती है, उसको लागू करने का टाइम होता है, उसके प्रावधान होते हैं सजा के, अगर मान लो किसी की गलती से 2 की जगह 3 हो ही जाए तो फांसी का हकदार नहीं हो जाएगा, उसकी कुछ चीजें होंगी। एक होता है की नियति, एक होता है घटना और दुर्घटना। तो जैसे हमारे यहाँ कानून में है कि अगर किसी ने आपने किसी को जान से मार दिया गोली से तो आपको 302 के तहत सजा होगी और उसमें आजीवन कारावास फांसी है। लेकिन बाई चांस एक दुर्घटना हो जाती है, ट्रक से और स्टीयरिंग फेल हो गई और एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी हत्या होती है, लेकिन वो दूसरी श्रेणी में आता है, 304 की श्रेणी में आता है, और वहाँ उसकी लिमिटेड प्रावधान है, जमानती है, तुरंत जमानत होती है। इसी तरीके से कानून को भी विस्तृत तरीके से विचार करके लागू करने की जरूरत है कि एक तो एक बदनीयति ना हो, एक जागरूकता भी चलाई जाए साथ साथ कि वो जागरूक हो जाए कि भाई आप लिमिटेड परिवार होगा, सीमित संसाधनों में देश की तरक्की में आपकी सहभागिता होगी और आपके बच्चे भी खुशहाल होंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, रोजगार हो पाएगा, एक बात। ये तो हो गया एक सुझाव मेरा जो ऐसा होना चाहिए। अब बात हमारी वो आ गई कि जैसे कि मिश्रा जी इस बात को ले गए, एक वर्ग की बात आई थी, वर्ग में निश्चित रूप से योगी जी ने मूल निवासी भी कह दिया था, वो भी हो गई, और हमारे जो साथी बैठे हैं आपके इस वीडियो में आमिर भाई ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इसको बाकायदा हिंदू मुस्लिम की चश्मे से ना देखा जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सच है कि मिश्रा जी को सूट करता, उन्होंने शब्द जोड़ा वर्ग, वर्ग को इन्होंने चलाना शुरू कर दिया, अब उसको तुरंत 2 भागों में बांटने का, चूंकि ये इनको सूट करता है, इसमें हमारे साहिर भाई ठीक कह रहे थे कि उसको सूट करता है कोई चीज कि हम बात करेंगे, अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण देंगे, हम इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है कि पड़ोसी की हम 2 आपका पड़ोसी से विवाद है तो हम पड़ोसी की 2 आंखें फोड़ देंगे, लेकिन उसके शर्त यह है कि पहले एक आप अपनी धोवा लो। तो उस तरीके को ये भारतीय जनता पार्टी चीजों को प्रस्तुत करती है कि हम कानून तो लाएंगे लेकिन इसमें मुसलमान को रगड़ देंगे, इसलिए तुम बर्दाश्त कर लेना। भाई ये तो सबके लिए लागू होगा और सबके लिए जरूरी है, कौन देश का मुसलमान कह देगा कि नहीं भाई इससे सहमत नहीं है, तो इसको हिंदू मुसलमान से ना बांटा जाए। और जो हमारे मोदी जी पहले अपने घोषणा पत्र में कह के आए थे, मिश्रा जी आप 8 साल हो गए 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे थे, 16 करोड़ रोजगार दे दो आपके सारे कानून स्वीकार है, आप 15 लाख रुपए दे दो आपके सारे कानून स्वीकार है, आप देश की अर्थव्यवस्था 2011 में थी 3रे पायदान पे ले आओ आपके सारे कानून स्वीकार है, आप देश को खुद तरक्की के रास्ते पे ले जाओ आपके सारे कानून स्वीकार है, ठीक है। हाँ मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? मित्र बता रहे हैं जिस तरह से, और ये तो अच्छी बात है, अगर ये तो इनको भी समर्थन करना चाहिए, अगर ये जनसंख्या कानून आता है तो सबको समर्थन करना चाहिए, मेरे मित्र को तो आगे बढ़कर आना चाहिए साहब को, कि वो पहले मैं इस कानून का
करूंगा, लेकिन इनसे मित्र से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका तो स्वागत करना चाहिए इनको आकर, और सबसे पहले इनको आना चाहिए कि स्वागत करता हूँ, अगर जनसंख्या कानून लाएंगे तो हम समर्थन करते हैं, और ये सब करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी बात है, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, ये सारे काम अच्छे हो रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र को अगर राम मंदिर आया किसी ने विरोध किया, आप विरोध की क्यों बात करते हैं? लेकिन जब मसला जब खड़ा हो जाता है, जब एक जबरदस्ती आप समुदाय उठाने का चाहते हैं, हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया। मैं योगी जी का कल एक बार के लिए बयान आया तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। भाई बहुत किया है, हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, हम क्यों जबरदस्ती चादर ओढ़ने पर भाई चादर क्यों ओढ़ने पर? अरे मिश्रा जी, कानून की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो देश के अंदर तमाम आईपीसी सीआरपी मौजूद है, उसके बावजूद भी सब कुछ होता है। क्या हत्या नहीं होती है? 302 मौजूद है। क्या बलात्कार नहीं होता? 376 मौजूद है। क्या और लड़कों के साथ कुकर्म नहीं होता? 377 मौजूद है। देखिए बावजूद सब हो रहा है, लेकिन कानून से कुछ नहीं हुआ। अभी यादव जी ने बात कही थी दो हाथों में, बहुत बात कह रहे, कार्यक्रम मुझे कार्यक्रम होना चाहिए, कानून का इससे कोई मतलब नहीं है। मिश्रा जी सुनना भी पसंद कीजिए, सुन लीजिए, श्री मोदी ने आप सुन लीजिए, ऑपरेशन क्या बताइए, सबसे तेज पॉपुलेशन आजकल आज की तारीख में ब्राह्मणों की बढ़ गई है, आप बताइए। त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे, इसका उत्तर देना चाहता हूँ, इसका उत्तर देना मैं चाहता हूँ। आपने अभी कहा, मिश्रा जी तो नहीं, अभी आपने कहा कि ब्राह्मणों का पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 32% से 35% सवर्ण वर्ग का पॉपुलेशन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, वो लाभान्वित नहीं हो रहा है, बात की बात है। सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो बात की बात है। ठीक त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? मिश्रा जी देखो मेरे मित्र कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। आप लोग सुनिए, मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, इसको नियंत्रण करना चाहिए, और ये सब कानून जो आया है इसको सब कानून पालन करना चाहिए, और योगी जी को कानून बनाइए, उत्तर प्रदेश कहा बात यह है कि यहाँ पर कोई आपके इस योजना का विरोधी नहीं है, ठीक, समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में आ चुकी है, ये बगल में एक बैठे राजनीतिक दल ये भी है, इनका कोई मतलब नहीं है विरोध का, आप अपना कानून बनाइए। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसका आपको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप ऐसे अगर आप ऐसे आगे हम लोग कानून लाएंगे और आप समाजवादी पार्टी हमारा समर्थन करे तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। अरे अब कैसे समर्थन करें, टीवी पर लाइव लाइव जो है बोल रहे हैं चैनल पर, अब क्या चाहते हैं लिखित है आपको? वो तो डिबेट की शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि हम समर्थन, वो तो डिबेट के शुरुआत से कह रहे हैं मेरे मोदी जी, तो अब क्या चाहते हैं, वो पार्टी बदल दे क्या चाहते हैं? अरे भाई देश के प्रधानमंत्री तो मेरे भी हैं, इस पूरे डिबेट में एकमात्र पार्टी है जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है धरातल पर, कोई विरोध कर रहे हैं। हाँ इनसे पूछ लेता हूँ, ये भी साथ है, ये भी साथ आ गए हो, ताहिर भाई साथ हैं आप लोग? हमें तो लगता है त्रिपाठी जी का कोई वजूद नहीं है, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हम 35% लगा, इनका कोई धरातल पर कोई मजबूत नहीं है। अरे आपने ज्यादा घमंड किसी का ठीक नहीं है, सुनिए, ज्यादा घमंड किसी का ठीक नहीं है। साबरी भाई ने कहा कि ब्राह्मणों का पॉपुलेशन सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको मानने को तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि योगी जी हो सकता है हमारे लिए कहे हो, इसीलिए क्या दिक्कत है, इसीलिए योगी जी ने पिछली सरकार, लेकिन आप तारिक भाई ये तो विरोध करना है, तारिक भाई मिश्रा जी पूछ रहे हैं आप समर्थन में हैं कि नहीं, बस इतना बता दीजिए समर्थन में है या नहीं। मैं अगर
किसी वर्ग को टारगेट किया जाएगा तो मैं खुला इसके विरोध में हूँ। गरीबी गरीबी पर कानून आना चाहिए, कानून के समय में उसके बाद बनाएंगे नितिन जी कुछ कह रहे हैं साहिर भाई ये कह रहे हैं कि हम इस कानून के समर्थन में तो हैं, लेकिन हमें काम में लगा रहे हैं ना, खाली रहेंगे तो फिर नहीं करेंगे। ताहिर भाई क्या कह रही है, काम में लगा रही है क्या? क्या कहा, अभी समझ में नहीं आया। नितिन जी कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, नितिन जी ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के समर्थन में तो मैं आ जाऊंगा, कानून के समर्थन में भी आ जाऊंगा, लेकिन मुझे काम में लगाए रखना, मुझे खाली मत छोड़ना। देखिए कानून के ये तो चलिए मजाक हो गया, लेकिन सच्चाई तो ये है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। और एक कहावत भी कहती है, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। अब बच्चों को भी जब कहते हैं कि ना ट्यूशन में लगाए रहिए, स्कूल भेजते रहिए, ज्यादा उनको जो है सोसाइटी में खेलने कूदने न दीजिए, वरना संगत बुरी हो जाएगी, या टाइम में पढ़ाई नहीं देंगे। देखिए होता क्या है, जब आप फ्री रहते हैं तो ये चीजें ज्यादा एक्सरसाइज में आती है। अब ये सब जानते हैं, देश की समस्या सबसे बड़ी जो है समर्थन कर रहे वो गरीबी को खत्म करना, रोजगार देना, स्वास्थ्य गारंटी, राजीव जी पूछ रहे हैं, ताहिर भाई राजीव मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी पूछ रहे हैं आप समर्थन में हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, अगर वर्ग विशेष को लेकर के करा जाएगा तो बिल्कुल विरोध में और खाली मुसलमान इस देश में जनसंख्या का पॉपुलेशन नहीं बढ़ा। टारगेट कहा किया किसी वर्ग को भाई, आप लोग खुद उल्टा तीर ले रहे हो कि हाँ हमें कहा गया, टारगेट कहा किया गया, समर्थन करना चाहिए। देखिए वर्ग विशेष अगर जब कहते हैं हो सकता है ब्राह्मणों को ले कहा गया हो, हो सकता है ब्राह्मणों के लिए कहा गया वो, हो सकता है योगी जी ने ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों के जो है ब्राह्मण और योगी जी में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता भी हो सकता है, ले लिया हो समता का भाव बना रहने दो, भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही है। इन्होंने आप वार्ता बोल रहे हो, इस बात को कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण का पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी के साथ में बढ़ रहा है, मैं ये मानने को तैयार हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन ताहिर भाई ने कहा है कि किसी वर्ग की बात होगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, यानी आप हमारे साथ खड़े हैं ना। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और कठोरतम कानून बनना चाहिए जी, और सभी को मिलकर के उसका सहयोग और समर्थन भी देना चाहिए, इसके साथ मिलकर के सहयोग देना पड़ेगा, तब राष्ट्र सशक्त होगा। आप कानून का मसौदा लाओ, पढ़ लेंगे, फिर बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, उसमें हम लोग राय देंगे कि क्या ठीक करना है। मैं एक बात अपनी कहना चाहता हूं, आपकी रीता बताएंगी जरा, समय कम है प्लीज, समय कम है, ताहिर भाई जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर साबरी साहब के पास चलकर खत्म करता हूँ। बता दू अगर इंसान भूखा है उसको पूरा किया जाएगा, ना कि उसको कपड़े पहले दिए जाएंगे। देश के अंदर जिस चीज की पहले जरूरत है कानून, अभी इसका नियंत्रण संख्या नियंत्रण पे नहीं आना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा जो है रोजगार पर कानून आना चाहिए, इसकी गारंटी दे देंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने आप से पारित हो जाएगा। ठीक है साबरी साहब, क्या कह रहे हैं जल्दी से बोलिए। लव जिहाद कानून भी बना था, हमने उसका भी स्वागत किया था, लेकिन लव जिहाद कहाँ से शुरू हुआ था, मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए और वो शाहनवाज हुसैन को देख लीजिए, धर्मेंद्र हेमा मालिनी को देख लीजिए, तो लव जिहाद ही तो सारे भाजपा में मौजूद थे, हमने उसका भी स्वागत किया था महाराज, और हम इसका भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ब्राह्मणों में ठाकरों बढ़ रही है, मूल निवासियों में इतनी नहीं है, दलितों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिए हैं और मुसलमानों ने भी कम कर दिए हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है, रोजगार नहीं है, कहां से खिलाएंगे बेचारे। त्रिपाठी जी देखिए, ब्राह्मणों की बात इन्होंने कहा, राजपूतों की बात कहा, भाई स्पष्ट रूप से योगी जी ने कहा कि हम वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी को खोला नहीं, वर्ग की बात उन्होंने कहा और किसी विशेष शब्द का उन्होंने वहां पर उल्लेख नहीं किया, तो नहीं किया तो इतना दर्द क्यों है। अभी आपने कहा कि सबसे तेजी से किसी का जनसंख्या दर इस उत्तर प्रदेश में बात कर लें तो
वो है ब्राह्मणों का, मैं उससे सहमत हूँ। मैं सहमत होते हुए भी कह रहा हूं कि एक एक सख्त कानून यहां बनना चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेकर होना चाहिए। दूसरी चीज ये भी कि हम जब आ करके यहां पर 60 जो है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं 16, 18, 20, 22, 26 जब तक मैं ना हो जाऊं पूरा 100% भाई यहाँ पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बोला गया है। अगर सब लोग अपना समझ ले कि हमारा ज्यादा है तो सब नियंत्रण करने में लग जाएंगे। भाई कानून बने नियंत्रण होगा, बिना कानून के नियंत्रण नहीं होने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार अब कहीं ना कहीं चिंतन मनन कर रही है। कानून का आना बहुत जरूरी है और कानून एक कार्यक्रम के तहत आए और उस कार्यक्रम का सभी राजनीतिक दल को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उसका सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देश की जो आबादी है उस पर कहीं ना कहीं जो ब्रेक है वो लगेगा तो जो सीमित संसाधन है उन सीमित संसाधनों में देश का भी विकास होगा और देश के नागरिकों का भी होगा। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीनेंद्र मित्र नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।